अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी लैब क्लास ले रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि CHM 311 की जो लैब है उसमें हमने आपसे बात की थी कि मिक्सचर एनालिसिस हम करेंगे, और मिक्सचर होगा दो सॉल्ट्स का। और दो सॉल्ट्स का मतलब ये हुआ कि आपने दो एसिडिक और दो बेसिक रेडिकल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। पूरी हमने आपको स्कीम बताई थी कि किस स्कीम के तहत आप चलेंगे, उसी स्कीम को हमने फॉलो करना है। ये स्कीम आप सबके पास होगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस करते हैं कि प्रिलिमिनरी टेस्ट कौन कौन से हैं। स्टेट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें कोई सच चीज़ें नहीं पता लगती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। अगर वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि उसमें नाइट्रेट या क्लोराइड हो सकता है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर पर बेसिक रेडिकल्स जब हम अभी करने जा रहे हैं तो बेसिक रेडिकल्स में कलर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसके अलावा ऑर्डर हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लू देती है कि अगर वो वेनेगर लाइक है या अमोनिकल है तो हम ये सारी चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अगर वेनेगर लाइक आ रही है तो यकीनन उसमें एसीटेट होगा, और अगर अमोनिकल आ रही है तो अमोनिया भी प्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल यही हम स्कीम लेकर चलेंगे जिस तरीके से हम लैब में परफॉर्म करते थे कि पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस करेंगे, फिर उसके बाद हम ड्राई टेस्ट करेंगे। ड्राई टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है उसको नोट डाउन करने के बाद हम एसिडिक रेडिकल का ग्रुप 1 करेंगे। अगर ग्रुप 1 प्रेजेंट होगा तो उस पर्टिकुलर टेस्ट पर्टिकुलर रेडिकल की CT करेंगे, और अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा या होगा भी तो फिर हम सेकंड ग्रुप की तरफ चले जाएंगे, और सेकंड ग्रुप के अंदर हम इस तरीके से टेस्ट करेंगे, और फिर अगर वो भी होगा तो उसकी CT करेंगे, फिर थर्ड ग्रुप की तरफ जाएंगे, और इसके बाद बेसिक 1 2 3 4 5। ठीक, तो बिल्कुल यही चीज़ है जो कि हम फॉलो करने जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा नो हाउ इसलिए दी थी ताकि बहुत सारे दिन हो गए हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा आपका माइंड कि ओके हम क्या करते थे। तो ये है हमारी आज की लैब, और उस लैब के अंदर अब जैसे वहाँ पर हम मिक्सचर 1 2 3 करते थे, अब मैं यहाँ ABC करती हूँ ताकि हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, तो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स लैब लेक्चर्स का जो पहला मिक्सचर है मैं उसे कह रही हूँ इट इज़ मिक्सचर ए। ठीक है, अच्छा आपको नज़र आ रहा है कि ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा गमी गमी सा भी है, थोड़ा हाइग्रोस्कोपिक भी है, और इसके अलावा जो है वो ब्लू कलर का है। ठीक है, अच्छा अब मैंने जब इसके प्रिलिमिनरी टेस्ट किए तो मैंने ये चीज़ें निकाली हैं। ऑफ कोर्स जब आप करेंगे तो आपको भी पता लगेगा, जैसे शक्ल से नज़र आ रहा है कि ये हाइग्रोस्कोपिक है, शक्ल से नज़र आ रहा है कि ब्लू है। अच्छा, अगर ब्लू है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम यहाँ पर जाएंगे। ब्लू है तो कोबाल्ट भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे बेसिक रेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लू अगर है तो कोबाल्ट भी हो सकता है और कॉपर भी हो सकता है। ओके, ऑर्डर इसकी कैसी है, विनेगर लाइक है, इसका मतलब इसमें एसिटेट प्रेजेंट हो सकता है। जब हम इसके ग्रुप में जाएंगे तो देखेंगे और परफॉर्म करेंगे ग्रुप टेस्ट भी, और अगर प्रेजेंट हुआ तो यकीनन हम उसकी CT भी करेंगे। अच्छा, ये मिक्सचर वाटर सॉलेबल भी है और HCl सॉलेबल भी है, और ये कैसा दिखता है वाटर में और कैसा दिखता है HCl में ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिएगा, ये हमने जब इसी मिक्सचर को वाटर के अंदर डाला है तो ये इस तरीके से पिंक कलर शो कर रहा है, और इसी मिक्सचर में हम ये HCl डाल रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ब्लू कलर का है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंडिकेशन है एक रेडिकल की, वो तो खैर मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपका मिक्सचर था ब्लू कलर का, ठीक है, लेकिन जब आप उसको वाटर में सॉल्युबल कर रहे हैं तो ये पिंक कलर का है, और ये पिंक कलर का सोल्यूशन एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है एक रेडिकल की। ठीक है, अब वो रेडिकल अभी बता दिया तो थोड़ा सा सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा कि ओके इसका कलर जो है वाटर में पिंक था और HCl में ब्लू था। ठीक, उसके बाद जब हमने ये प्रिलिमिनरी टेस्ट कर लिए तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे ड्राई टेस्ट। ओके, और ड्राई टेस्ट हम करते हैं दो रेडिकल्स के लिए, एक एसिडिक और एक बेसिक। अगर आपको याद हो तो हम ड्राई टेस्ट जो है वो अमोनियम के लिए भी करते हैं और नाइट्रेट के लिए भी करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि ड्राई टेस्ट में हम ये अमोनियम के लिए भी करते हैं और नाइट्रेट के लिए करते हैं। पहले अमोनियम अगर एबसेंट है तो हम उसको नाइट्रेट के लिए भी लेकर चलते हैं। ठीक है, अच्छा तो क्या किया हमने, मिक्सचर लिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, उसको हीट किया स्ट्रांगली, और उसके बाद मॉइस्ट लिटमस पेपर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अच्छा, ये मैंने करके इसलिए नहीं दिखाया, इसकी पिक्चर इसलिए नहीं शो की क्योंकि ये आप अपनी लैब में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर चुके हैं।
ठीक है ना, कि रेड लिटमस पेपर को जब आप मॉइस्ट करके लेकर आते हैं माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के पास, तो वो ब्लू हो जाता है। अगर ब्लू हो जाए तो वो अमोनियम प्रेजेंट है, लेकिन इस केस में इस पर्टिकुलर मिक्सचर ए के अंदर ऐसा नहीं हुआ, इट मीन्स अमोनियम एबसेंट है। अब अमोनियम एबसेंट था तो मैंने उसी के अंदर एल्युमिनियम पाउडर डाल दिया उसी सेम टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद फिर उसको हीट किया और रेड लिटमस पेपर लेकर आई, लेकिन वो अभी भी जो है वो नहीं ब्लू हुआ। इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रेट भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा ड्राई टेस्ट, कि ड्राई टेस्ट के अंदर अमोनियम और नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट हमने कर लिए, सॉलिबिलिटी अच्छे से चेक कर ली, फिर इसके बाद हमने ड्राई टेस्ट कर लिया। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें करना चाहिए एसिडिक रेडिकल ग्रुप वन। ठीक, तो अब एसिडिक रेडिकल ग्रुप वन का सबसे पहले हम ग्रुप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आज हम ग्रुप टेस्ट के लिए क्या करेंगे, मिक्सचर लेंगे और उसमें HCl डाइल्यूट डालेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब हम मिक्सचर के अंदर HCl डालते हैं तो दो तरह के हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, या तो एवोल्यूशन होती है कलरलेस गैस की, या होता है ऑर्डर ऑफ विनेगर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ऑब्जर्व किया वो था कि नो एवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफवेसेंस। अगर ब्रिस्क एफवेसेंस नहीं आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनेट और बायकार्बोनेट जो है वो एबसेंट है, ऑर्डर ऑफ विनेगर आई है, और वो मुझे पहले भी जब मैंने प्रिलिमिनरी टेस्ट किए थे तो उस वक्त भी मुझे पता लगा था कि इसकी जो है विनेगर लाइक स्मेल है, तो इसका मतलब एसीटेट मे बी प्रेजेंट। अब एसीटेट अगर प्रेजेंट हो सकता है तो मेरा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, मेरा नेक्स्ट काम ऑफ कोर्स यही होना चाहिए कि मैं जो है वो एसीटेट की सीटी करूं। और एसीटेट की सीटी क्या है, हम सबको अच्छे तरीके से पता है, हमने उसको पाम टेस्ट का नाम दिया था और हमने आपको बताया था कि लेकिन ये करेंगे आप बीकर की बैक पर, है ना, बीकर की बैक पर आप थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे, उस मिक्सचर के अंदर आप ऑक्सैलिक एसिड सॉलिड डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर देंगे करेंगे, और स्पैचुला से जब मिक्स करेंगे तो शार्प स्मेल ऑफ विनेगर आएगी, दिस इज एसीटेट कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब जब एसीटेट कंफर्म हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक एसिडिक रेडिकल जो है वो कंफर्म हो गया, और ये टेस्ट भी आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर चुके हैं कि कैसे आप छोटा वाला जो हम आपको 100 ml का बीकर देते हैं, आप उसको इन्वर्ट करते हैं साफ़ सुथरा करके, और फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर एक स्पैचुला मिक्सचर डालते हैं, थोड़ा सा ऑक्सैलिक एसिड डाल के, फ्यू ड्रॉप्स डिस्टिल वाटर के डाल के जब आप मिक्स करते हैं तो बहुत शार्प और बहुत अच्छी सी स्मेल आती है विनेगर की, तो यहाँ से एसीटेट जो है वो कन्फर्म हो गया। अच्छा, अब ग्रुप वन एसिडिक हो गया, इसका मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए, ग्रुप टू में जाना चाहिए, और ग्रुप टू में आपको कहती हूँ कि ग्रुप टू थोड़ा खतरनाक होता है ना। ग्रुप टू में क्या हुआ है, ग्रुप टू में जब हमने टेस्ट किया तो हम ये हमेशा मैंने आपको बताया है कि हम वैसे तो आम तौर पर जितने भी आप सॉल्ट्स में रिएजेंट्स डाल रहे होते हैं टेस्ट ट्यूब में, सॉरी, जब आप रिएजेंट्स डाल रहे होते हैं तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो टेस्ट ट्यूब हो वो लार्ज हो और होल्डर में लगी हुई हो, और अगर लार्ज ना भी हो तो कम से कम छोटी भी हो तो वह होल्डर में लगी हुई हो, ताकि आपके हाथ के ऊपर जो है वो कोई भी रिएजेंट ना लगे। और ख़ास तौर पर ग्रुप टू के लिए तो मैं आपको ये ज़रूर कहती हूँ कि ये जो है वो लार्ज टेस्ट ट्यूब में ही होना चाहिए, आपके हाथ में ग्लव्स ज़रूर होने चाहिए, आपके जो है वो गॉगल्स आपने ज़रूर लगाने होने चाहिए, और मास्क भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप डील करने जा रहे हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और जैसे ही हमने मिक्सचर के अंदर जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो आपको पता है कि बड़ा धुआंधार किस्म का ये हमारा रेडिकल है, ग्रुप है, और जैसे ही हमने इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, और जहन में लेकर आइए अगर आप कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल है तो एकदम पूरी लैब धुआं धुआं हो जाती है, और हम आपको कहते हैं कि आपने इसको लेकर जो है वो पूरी लैब के अंदर अपने जो है वो फेलोज के अंदर इसकी नुमाइश नहीं करनी है कि ओके ये चीज़ आ गई है, क्योंकि ये सारी जितनी भी गैसेज हैं ये हजार्डस गैसेज हैं। ठीक है ना, ये हैजार्डस गैसेस हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हमारे सेहत के लिए, और हम इसे आपको मैंने बताया है कि आपको इसको जो आपकी बेंच है उसके सिंक में भी आप इसको डिस्कार्ड नहीं करते, हमने एक अलग से बकेट रखा हुआ है जहाँ पर आप जाकर इसको डिस्कार्ड करते हैं, तो आप वहाँ जाकर इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो क्लोराइड में भी प्रेजेंट, हम फिर क्लोराइड की सीटी करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने बिल्कुल भी शो नहीं किया हुआ ये सारी चीज़ों को, ना मैं आपको इसकी इक्वेशन बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं, क्लोराइड भी हमारे जितने भी हम मिक्सचर लास्ट टाइम कर चुके हैं उनमें प्रेजेंट था, लेकिन जाहिर सी बात है जब हम बेसिक रेडिकल्स आपको करवाते हैं तो एसिडिक रेडिकल थोड़े रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये एक रिपीटेशन में हमारे पास क्लोराइड आया है, और क्लोराइड की सीटी आप सबको पता है कि कैसे हम करते हैं कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड, कि हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट।
ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। फिर उसी व्हाइट प्रेसिपिटेट में, उसी सेम टेस्ट ट्यूब में हम जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाते हैं, और फिर जब उसी सॉल्युबल प्रेसिपिटेट में हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो वो रीअपियर हो जाते हैं। ये सारा कुछ क्या हो रहा है, अगर आप इक्वेशंस में जाकर देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि अगर क्योंकि क्लोराइड है तो ये सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर क्लोराइड बनेगा, जब सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं वहाँ सिल्वर डायमीन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया में जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो अमोनिया है वो एज अ लिगेंड बिहेव करता है और सिल्वर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो सॉलेबल इन नेचर होता है। और जब हम उसके अंदर नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो वो नाइट्रिक एसिड जो है वो अमोनिया को वापस अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है और वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है और सिल्वर क्लोराइड वापस आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वाइट प्रेसिपिटेट फिर से आ जाते हैं। तो दिस इज कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो यहाँ तक के जो टेस्ट हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एसिटेट भी प्रेजेंट है और क्लोराइड भी प्रेजेंट है इन एसिडिक रेडिकल्स। ओके, अब एसिडिक रेडिकल परफॉर्म करने के बाद हम जाएंगे बेसिक रेडिकल्स की तरफ, और बेसिक रेडिकल्स में हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे ग्रुप वन। और ग्रुप वन में हमारा क्या है, अच्छा जहन में ये रखिएगा कि अभी हम जब एसिडिक की बात कर रहे थे तो हम मिक्सचर में ही डाल रहे थे, मिक्सचर में ही मैंने HCl डाला था, मिक्सचर में ही मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, अभी जो मैंने ग्रुप वन और ग्रुप टू लिए थे। लेकिन जब हम बेसिक रेडिकल्स की बात करेंगे तो याद रखिए कि जो आपका सोल्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप टेस्ट के लिए आपको ओरिजिनल सोल्यूशन चाहिए। अब क्योंकि आपका जो मिक्सचर था वो वाटर भी सॉलेबल है और HCl भी सॉलेबल है, तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ग्रुप वन एबसेंट होगा, क्योंकि अगर HCl सॉलेबल है तो इसका मतलब ही यही हुआ कि उसके अंदर लेड प्रेजेंट नहीं था, जब वरना अगर लेड होता तो लेड क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते। लेकिन क्योंकि हमारा मिक्सचर HCl सॉलेबल है इसलिए ग्रुप वन बेसिक प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर ग्रुप टेस्ट के अंदर फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप वन लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में जो आपने HCl डाल दिया था यही इसका फिल्ट्रेट है। और अगर आप कहें तो ओरिजिनल सॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने इसके अंदर क्या डालना है, HCl और डाइल्यूट। याद रखिए बेसिक के रेडिकल में अगर पीछे वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी अगर मैं ग्रुप टू परफॉर्म करने जा रही हूँ और ग्रुप वन प्रेजेंट है तो मुझे ग्रुप टू के लिए लाजमी फिल्ट्रेट ही चाहिए। लेकिन अगर ग्रुप वन प्रेजेंट नहीं है तो मैं ओरिजिनल सॉल्यूशन से भी काम कर सकती हूँ ग्रुप टू का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा से ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना सेंसलेस इसलिए है कि अगर आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लेकर उसमें HCl डाल दिया तो इसका मतलब आपने ग्रुप वन का बेसिक रेडिकल कर लिया, और आप उसी सॉल्यूशन के अंदर जब अगर H2S डाल देंगे तो आप बेसिक का सेकंड रेडिकल में पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा से ओरिजिनल सॉल्यूशन लें उसको फेंक के। तो यह फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप वन लिखा हुआ है इसको हम ओरिजिनल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं अगर ग्रुप वन एबसेंट हो तो, ठीक। अच्छा, तो उसमें हमने क्या डाल दिया, HCl, और उसमें पास किया हमने H2S। ना तो हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट्स आए हैं और ना ही हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो कैडमियम प्रेजेंट है, अगर येलो प्रेसिपिटेट्स होते तो यकीनन कैडमियम की जो है वो कॉज होता, और ब्लैक प्रेसिपिटेट्स नहीं होते तो कॉपर, बिस्मिथ और लेड भी एबसेंट है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। जिस वक्त हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म किया था उस वक्त हमने देखा था कि हमारा जो मिक्सचर था ब्लू कलर का था, और जो उससे हम इन्फेयर कर रहे थे वो ये कि अगर ये ब्लू कलर का है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, कोबाल्ट हो सकता है और कॉपर हो सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल शुरू की जो बात थी उसमें हमने देखा था कि ब्लू कलर का सोल्यूशन है, दिखाती हूँ मैं आपको, तो ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है वो या तो कोबाल्ट हो सकता है या कॉपर हो सकता है, ठीक है। अभी हमने कहा कि जब हम, अच्छा, कॉपर जो है वो ग्रुप टू में है और कोबाल्ट जो है वो ग्रुप फोर में है। अच्छा, अब ग्रुप टू के अंदर अगर कॉपर के प्रेसिपिटेट्स नहीं आए, ब्लैक प्रेसिपिटेट्स नहीं आए हैं, इसका मतलब कॉपर एब्सेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब थोड़े से चांसेस किसके हो गए हैं, कोबाल्ट के हो गए। अब मैं यहाँ पर आपको वो बात बताती हूँ जो उस वक्त मैं आपको कह रही थी कि ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है किसी रेडिकल के होने की, कि अगर आपका मिक्सचर किसी भी कलर का है लेकिन अगर उसका सोल्यूशन वाटर के अंदर पिंक कलर का है, ठीक है, अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन पिंक कलर का है तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इंडिकेशन है कि उसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। यानी अगर आप एग्जाम वाले दिन आते हैं और आपको जो मिक्सचर दिया जाता है, आप मिक्सचर लेते हैं और आप देखते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करने के दौरान आपको ये एहसास होता है कि ओ ये तो पिंक कलर का है, तो आप डायरेक्टली जो है वो कोबाल्ट का टेस्ट करके ले आएंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था एग्जाम वाले दिन तो आप बिल्कुल भी इस को फॉलो नहीं करेंगे, आपको दो एसिडिक और दो बेसिक निकालने हैं, ना हम आपसे इक्वेशन की बात करेंगे वहाँ परफॉर्मेंस वाले दिन।
ना आपसे ये कहेंगे कि आप जो है वो इसको प्रॉपरली लिखें, बस हम आपसे ये कहेंगे कि दो एसिडिक रेडिकल के नेम्स दीजिए और दो बेसिक रेडिकल के नेम दीजिए और उसकी सीटी समेत हमारे पास आ जाइए। तो कहने का मकसद ये है कि आपने उस वक्त हाजिर दिमाग सेंस में रहना है कि ओके ये पिंक कलर का सोल्यूशन बन रहा है एक्वस, तो ये कोबाल्ट हो सकता है। और कोबाल्ट कौन से रेडिकल में, कौन से ग्रुप में है? फोर्थ ग्रुप में है। तो जब हम फोर्थ ग्रुप में जाएंगे और देखेंगे क्या हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोबाल्ट होने के बहुत चांसेस हैं। ओके, अभी हमने ग्रुप वन का टेस्ट किया है और ग्रुप टू का टेस्ट किया है और हमें ये पता लगा है कि ग्रुप वन भी एबसेंट है, लेड भी एबसेंट है, कैडमियम भी एबसेंट है, कॉपर, बिस्मिथ और लेड जो कि सेकेंड ग्रुप में भी हम उसका टेस्ट करते हैं वो भी एबसेंट है। अब चलते हैं ग्रुप थ्री की तरफ। ग्रुप थ्री में, अच्छा, अब क्योंकि ग्रुप वन और ग्रुप टू एबसेंट थे, ठीक है, और मैं ग्रुप थ्री में जा रही हूँ, अब जहन में ना एक चीज़ और लेकर आई है कि हमने आपको ये भी बताया था कि अगर ग्रुप वन या ग्रुप टू में से कोई प्रेजेंट है, ठीक है, और आप ग्रुप थ्री की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ग्रुप टू का H2S रिमूव करना होगा, है ना? अगर आप H2S रिमूव नहीं करेंगे तो आप डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे? ग्रुप फोर में चले जाएंगे आप डायरेक्टली, जो कि हम, जाहिर सी बात है, ये तो बिल्कुल सेंसलेस बात है कि ग्रुप थ्री स्किप हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ग्रुप थ्री में जाना है तो आपको यहाँ पर H2S जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। ग्रुप फोर में क्यों कह रही हूँ कि ग्रुप फोर में देखिए, ये ग्रुप थ्री में क्या क्या है? ओरिजिनल सोल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ग्रुप फोर में क्या होता है? ओरिजिनल सोल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड, ओरिजिनल सोल्यूशन या फिल्ट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H2S, ठीक। तो अगर आपने ग्रुप टू की H2S यहाँ रिमूव नहीं की, ठीक, H2S आपकी टेस्ट ट्यूब में मौजूद है और आप इसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो आप तो थ्री में गए ही नहीं, आप तो डायरेक्टली ग्रुप फोर में चले गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब ग्रुप टू से ग्रुप थ्री में आते हैं तो आपको H2S लाजमी रिमूव करना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रुप वन भी एबसेंट था, ग्रुप टू भी एबसेंट था, तो अब ये सेंसलेस बात है कि मैं इतना टाइम लगा के H2S रिमूव करूँ। क्यों करूं भाई? इसलिए कि जब मेरे पास ग्रुप वन में भी कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है, ग्रुप टू में भी कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं थ्री के लिए सेफली ओरिजिनल सोल्यूशन ले सकती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ लिखा ही नहीं फिल्ट्रेट, मैंने यहाँ लिखा ही ओरिजिनल सोल्यूशन है, ठीक है ना? यहाँ वैसे तो आपके मैनुअल में लिखा हुआ है फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप टू, लेकिन क्योंकि मेरे पास इस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों ही एबसेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रुप थ्री के लिए डायरेक्टली ओरिजिनल सोल्यूशन ले लिया, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसलिए कि मेरे पास जो है वो कोई खतरा ही ना हो H2S का, मैंने अलग से ओरिजिनल सोल्यूशन नया बना लिया, ठीक। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो मैंने ये देखा कि कोई जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं आया, इसका मतलब एल्यूमिनियम एबसेंट है। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट भी नहीं आया, इसका मतलब आयरन भी एबसेंट है। बफ प्रेसिपिटेट भी नहीं आया, इसका मतलब मैंगनीज भी एबसेंट है। ग्रेज ग्रीन प्रेसिपिटेट भी नहीं आया, इसका मतलब क्रोमियम भी एबसेंट है। तो मेरा ग्रुप थ्री भी जो है वो बेसिक का एबसेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम ग्रुप फोर की तरफ, जिसमें हम कह रहे हैं कोबाल्ट होता है और कोबाल्ट होने के हमें चांसेस भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम ग्रुप फोर की तरफ, और ग्रुप फोर में क्या है? यही ओरिजिनल सॉल्यूशन जिसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला हुआ है और कोई किसी किस्म के हमारे पास प्रेसिपिटेट नहीं आए। अब आप दोबारा इसको ना लें, आप क्या करें, इसी को लीजिए और उसी में H2S डाल दीजिए। ग्रुप थ्री का जो टेस्ट आप कर रहे थे उसी में आप H2S डाल दीजिए, ठीक है। फोर्थ ग्रुप में आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया था, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला था, उसी में आपने H2S डाल दिया था। अब जब आपने H2S डाला तो इसका मतलब ये हुआ और ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गए। ये देखें, हमने इसमें ये H2S डाला है और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आ गए हैं और इन ब्लैक प्रेसिपिटेट को हमने फिर सेंट्रीफ्यूज करवा लिया। अच्छा, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट किसके हो सकते हैं? ग्रुप फोर में अगर आप देखें तो ग्रुप फोर में हमारे पास वैरायटी है कि कोबाल्ट, कोबाल्ट होता है उसके अंदर, निकल होता है, मैंगनीज होता है और जिंक होता है, ठीक। अच्छा, मैग्नीज अगर होता है तो H2S के साथ वो बफ कलर के प्रेसिपिटेट देता है, अगर जिंक होता है तो वाइट देता है, और अगर ब्लैक है तो ये कोबाल्ट और निकल दोनों की जो है वो निशानी हो सकते हैं। देख लेते हैं अभी हम अपने मैनुअल के अंदर भी, ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए कि मैं ये क्या बात कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं ग्रुप टू और ग्रुप फोर बेसिक की। ये आ गया हमारा ग्रुप फोर बेसिक। क्या है उसमें? फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप थ्री, जिसमें मैंने अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले से डाला हुआ था, उसमें मैंने H2S डाला, तो अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट आएंगे या वाइट आएंगे या बफ आएंगे, ठीक। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो कोबाल्ट या निकिल, अगर वाइट आ रहे हैं तो जिंक होगा, और बफ आ रहे हैं तो मैगनीज होगा। तो बफ प्रेसिपिटेट नहीं आए, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आए, ब्लैक प्रेसिपिटेट आए हैं, इसका मतलब क्या प्रेजेंट है मेरे पास? या तो कोबाल्ट है या निकिल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं,
या तो कोबाल्ट है या तो निकल है, लेकिन यहाँ पर मैं अभी से डिसाइड कर लेती हूँ कि ये किस चीज़ के प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर निकल है तो यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो थोड़ा ग्रीनिश होना चाहिए था, है ना। अगर मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होता और मेरे मिक्सचर में भी मुझे कुछ ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होता तो मैं कहती हूँ ओके निकल प्रेजेंट है, लेकिन मेरा तो ओरिजिनल सॉल्यूशन पिंक कलर का है ना, मैंने आपको दिखाया था। ये दोबारा देखते हैं, ये जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का है, ठीक है। और पिंक कलर जो है वो किस चीज़ की इंडिकेशन होती है, पिंक कलर इंडिकेशन होती है कोबाल्ट की। तो मैं यहाँ पर ये समझ गई हूँ कि ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट्स हैं एक्चुअली ये बॉल्ट की वजह से आ रहे हैं। अब इस ग्रुप फोर के टेस्ट को, क्योंकि ये कोबाल्ट का टेस्ट आपने परफॉर्म नहीं किया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको लैब में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। और ऑफ कोर्स हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया है इसके लिए, और उसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2S पास की है। और ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हम लैब में करते हैं कि किस तरीके से हमें टेस्ट ट्यूब्स को हैंडल करना है, होल्डर में लगाना है, और ग्लव्स ज़रूर होने चाहिए, और हैंडलिंग जो है हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी सी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि हम किस तरीके से इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ये हमने लिया है ओरिजिनल सॉल्यूशन, और ओरिजिनल सॉल्यूशन क्यों लिया है इसलिए कि हमारे पास लास्ट थ्री ग्रुप्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद हम डालेंगे H2S। ये हमने डाला है इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड हमने इसमें पहले से डाल दिया हुआ है, और अब हम इसमें डालेंगे H2S और देखेंगे कि क्या कलर चेंज आता है। जैसे कि हमने कहा कोबाल्ट है तो इट मस्ट बी ब्लैक प्रेसिपिटेट्स, और अगर आप ये देखें ये कितने ज़बरदस्त ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आए हैं, और ओरिजिनली इस सॉल्यूशन का जो कलर था वो पिंक था, और उसके बाद आप ये देखें कि ये ब्लैक प्रेसिपिटेट है। इट डज़ मीन कि ये कोबाल्ट या ब्लैक प्रेसिपिटेट का मतलब तो ये है कि ये कोबाल्ट या निकल के हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन पिंक था तो मैं यहाँ पर कंफर्म हो गई हूँ कि ओके इट मे बी ड्यू टू कोबाल्ट। लेकिन बहरहाल सीटी तो करनी पड़ेगी, और सीटी क्या है कोबाल्ट की वो देख लेते हैं। पहले हम अपने मैनुअल में देखते हैं कि हमें ब्लैक प्रेसिपिटेट्स के साथ क्या करना है। ये देखिए ये है हमारे ब्लैक प्रेसिपिटेट्स, और ब्लैक प्रेसिपिटेट को पहले हमने नाइट्रिक एसिड के अंदर डाइल्यूट डालकर हीट किया तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो डिसॉल्व हो जाएंगे और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट जो बनेंगे इसकी मैं आपको इक्वेशन भी दिखाती हूँ कि ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट बने हैं ए और बी, और ये जो डिसॉल्व हुए हैं इनकी जो इक्वेशन जो यहाँ पर लिखी हुई हैं ENF वो क्या हैं, और ये हमें क्या बता रही हैं। देखिएगा ये ए और बी तो हमें कोबाल्ट और निकल के बारे में बता रही है। ऑफ कोर्स हमें ये दोनों ही लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि ये कोबाल्ट है या निकल है। ये तो मैं आपको समझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ, और थोड़ा कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ कि अगर आपका सोल्यूशन जो है वो पिंक कलर का है तो इट मे बी ड्यू टू कोबाल्ट, ठीक। अच्छा, ये कोबाल्ट में अगर H2S डालें या निकल में H2S डालें तो जो कोबाल्ट का सल्फाइड होता है और निकल का सल्फाइड होता है वो ब्लैक होते हैं। अच्छा, ये बात बहुत जहन में रखने वाली बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपने लैब में कोई चीज़ परफॉर्म की है, कोई चीज़ देखी है, ये जो अभी हमने आपको वीडियो दिखाई है इसका मकसद भी यही है कि आप खुद से भी देख लें, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंक सल्फाइड किस कलर का होता है तो आपको पता होना चाहिए व्हाइट कलर का होता है। क्यों, मैंने अभी आपको बताया था कि और किसी चीज़ का सल्फाइड व्हाइट नहीं होता सिवाय जिंक के। अगर आपसे पूछा जाए कोबाल्ट सल्फाइड किस कलर का होता है तो अभी आपको पता लगा है कि ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। तो ये ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं, ओके। फिर उसके बाद इन सल्फाइड्स को, ये जो कोबाल्ट और निकल के सल्फाइड्स हैं, अगर हम नाइट्रिक एसिड और एसिटिल डालकर हीट करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि निकल और कोबाल्ट जो है वो अलहदा हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, ठीक। तो ये इक्वेशंस हैं। अच्छा, मैंने यहाँ ए बी और एफ ई एफ जो है वो ऐसे ही लिखे रहने दिया है, वो इस वजह से लिखे रहने दिया ताकि आपको पता लगे कि ये मैनुअल में कहाँ पर है, ठीक है। आपके मैनुअल में फोर्थ ग्रुप के टेस्ट के साथ ये इक्वेशन इसी तरह लिखी हुई है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया कि हमने ये देख लिया है कि कोबाल्ट हमारे पास प्रेजेंट है, और अब हम करने जा रहे हैं कोबाल्ट की सीटी। तो यहाँ पर हम दोबारा आते हैं कोबाल्ट की सीटी की तरफ, कि जब हम प्रेसिपिटेट डिसॉल्व करते हैं तो मैंने इसके दो पार्ट्स करने हैं, ठीक है। एक में डालेंगे अमोनियम थायसाइनाइड और एक में डालेंगे एसीटोन, और दूसरे पार्ट में डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और DMG। अच्छा, ये वाला जो पार्ट टू है ये निकल की बात कर रहा है, और मुझे पता है कि निकल प्रेजेंट नहीं है क्योंकि मेरा ओरिजिनल सोल्यूशन पिंक कलर का है, और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि फर्स्ट ईयर लेवल पर हम दो बेसिक रेडिकल एक ही ग्रुप से एक साथ नहीं देते, ठीक। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि अगर कोबाल्ट होगा तो निकल हम आपको नहीं देंगे। तो इस मैंने एहतियातन, वैसे तो आप ठीक है दोनों पार्ट कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही पार्ट के अंदर अमोनियम थायसाइनाइड और एसीटोन ऐड किया है, और ये जो है वो हमारे पास आ जाएगी एक ब्लू कलर की लेयर, ठीक है। अगर
निकल प्रेजेंट होगा तो स्ट्रॉबेरी रेड प्रेसिपिटेट्स आएंगे, और अगर कोबाल्ट होगा तो ब्लू लेयर। तो मैंने ये वाला टेस्ट परफॉर्म ही नहीं किया क्योंकि मैं कंफर्म हूँ कि मेरे पास निकल प्रेजेंट नहीं है, ओरिजिनल सोल्यूशन मेरा पिंक था, ठीक। तो मैंने यहाँ पर ये वाला टेस्ट किया। इसके अलावा मैंने एक टेस्ट और भी किया है कि इफ़ ओरिजिनल सोल्यूशन इज पिंक इन कलर देन परफॉर्म डायरेक्ट सी टी ऑफ कोबाल्ट। आप डायरेक्ट सी टी भी कर सकते हैं कोबाल्ट की, और वो क्या है कि मिक्सचर में आप कंसेंट्रेटेड एस सी एल डालेंगे तो ब्लू कलर आ जाएगा, और ब्लू कलर में जब आप वाटर डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, और ये सारा कुछ क्या हो रहा है वो आपको इक्वेशन से पता लगेगा, ठीक। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने पार्ट वन लिया और उसमें अमोनियम थायसाइनाइड और एसीटोन डाला तो क्या हुआ। ये है कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ कोबाल्ट कि इसमें हमने ब्लैक प्रेसिपिटेट्स जो लिए थे उन ब्लैक प्रेसिपिटेट को हमने एच सी एल और नाइट्रिक एसिड के अंदर डिसोल्व किया और उसको हीट किया, प्रेसिपिटेट डिसोल्व हो गई। ये ई एफ की इक्वेशन मैंने अभी आपको दिखाई थी। ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया मैंने नहीं परफॉर्म किया, मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट परफॉर्म किया है कि इसमें अमोनियम थायसाइनाइड और एसीटोन डाला है तो ये ब्लू लेयर आ गई, आपको नज़र भी आ रही होगी ये ब्लू कलर की लेयर, ठीक है। ये ब्लू कलर की लेयर है और ये हमारा सोल्यूशन जो है वो पिंक कलर का मौजूद था, तो ये ब्लू कलर कंफर्म कर रहा है कि इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट है। इसकी भी मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ कि ये हमने लैब में कैसे परफॉर्म किया। ओके, तो अब लैब में हमने ये लिया है ओरिजिनल सोल्यूशन, ये जो पिंक कलर का हमारा सोल्यूशन है उसमें हम डालेंगे अमोनियम थायसाइनाइड और एसीटोन। तो अमोनियम थायसाइनाइड सबसे पहले हम ऐड करते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन में, और उसके बाद हम डालेंगे एसीटोन। तो ये आ जाएगी हमारे पास ब्लू लेयर, ठीक। अच्छा, ये हो गई ब्लू लेयर की बात। अच्छा, ये ब्लू लेयर किस चीज़ की है इसकी इक्वेशन मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन पहले हम एक डायरेक्ट सी टी पे परफॉर्म कर लेते हैं। जो डायरेक्ट सी टी मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर लिया हमने, एस सी एल कंसनट्रेटेड डाला, ब्लू कलर आएगा, ब्लू सोल्यूशन के अंदर वाटर डालेंगे तो पिंक कलर आ जाएगा, दिस इज़ डायरेक्ट सी टी, ठीक। तो हम ये डायरेक्ट सी टी भी अभी परफॉर्म करते हैं आपके सामने। ओके, ये है डायरेक्ट सी टी ऑफ कोबाल्ट जिसके लिए हमने मिक्सचर लिया है, ठीक है। और इसमें मिक्सचर ही ऐड करना है, सोल्यूशन नहीं, मिक्सचर लेना है, और उसमें हम डालेंगे कंसनट्रेटेड एच सी एल, और कंसनट्रेटेड एच सी एल डालने के बाद हमने कहा ब्लू कलर आना चाहिए, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर तो ये पिंक कलर का हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये देखिए एच सी एल हमने डाला, ये आ गया ब्लू कलर, और इस ब्लू कलर के सोल्यूशन में जब हमने डाला वाटर तो आप ये देखें कि ये पिंक कलर आ गया है, ठीक। ओके, ये ग्रुप टेस्ट की सीटी थी हमारे पास, और ये अभी हमने जो परफॉर्म की है डायरेक्ट कंफर्मेटिव टेस्ट जो कोबाल्ट का किया है कि जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन पिंक कलर का था उसमें हमने एच सी एल डाला था तो ये ब्लू कलर आ गया था, और फिर उसी ब्लू सोल्यूशन में हमने वाटर डाला तो ये पिंक कलर का हो गया है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें थोड़ा और वाटर डालती तो ये ब्लू कलर भी पिंक का हो जाता, या अच्छे से शेक कर लेती तो आप देखते ये ब्लू कलर बिल्कुल गायब हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वो ब्लू कलर की ऊपर लेयर आई थी, और ये यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर ब्लू कलर की जो लेयर आई थी एसीटोन डालने के बाद, और यहाँ पर जो एच सी एल और वाटर के साथ जो ये ब्लू कलर और पिंक कलर था, इनके इक्वेशन क्या है। वो इक्वेशन ये है कि वो जो ब्लू कलर की ऊपर लेयर बनी थी थायोसाइनाइड डालने के बाद, वो कोबाल्ट थायोसाइनाइड का कॉम्प्लेक्स बन रहा था एक्चुअली, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का होता है। कोबाल्ट थायसाइनाइड कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्लू कलर का होता है। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट सीटी हमने की थी कि कोबाल्ट में जब एच सी एल डाला था तो ब्लू कलर आया था, वो ये कोबाल्ट का टेट्राक्लोराइड कॉम्प्लेक्स बन रहा था, और उस ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स में जब मैंने वाटर डाला तो क्लोराइड निकल गया बाहर और वाटर उसकी जगह पर आ गया। ये एक पूरी केमिस्ट्री है समझें, क्योंकि क्लोराइड भी एज अ लिगेंड बिहेव करता है और वाटर भी एज अ लिगेंड बिहेव करता है, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। क्लोराइड वीक लिगेंड है एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए वाटर क्या करेगा, इस क्लोराइड को रिप्लेस करेगा और खुद आकर लग जाएगा, ठीक। तो जब मैंने इसमें एस सी एल डाला तो उसमें क्लोराइड ने एज अ लिगेंड बिहेव किया और कोबाल्ट के साथ ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया, कोबाल्ट टेट्रा क्लोराइड। और जब मैंने इसके अंदर वाटर डाला तो क्योंकि वाटर ज़्यादा ताकतवर है एज कम्पेयर टू क्लोराइड, तो क्या हुआ कि क्लोराइड को उसने बाहर निकाल दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से और खुद जाकर लग गया, जो कि कोबाल्ट का जो हेक्साहेक्वो कॉम्प्लेक्स है वो पिंक कलर का हो, ठीक है। तो ये हमने कोबाल्ट को कंफर्म कर लिया है क्योंकि हमारे बेसिक रेडिकल्स में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट हुई है अभी तक। हमने फोर्थ ग्रुप में कोबाल्ट को फाइंड आउट किया है, ग्रुप वन टू और थ्री में कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। अब हम चलेंगे ग्रुप फाइव की तरफ। अच्छा, ग्रुप फाइव में क्या करना होता है हमें, ग्रुप फाइव में हम आपसे कहते हैं
कि ओके ये जो फिल्ट्रेट है आपका ग्रुप फोर का, इसमें से आप H2S रिमूव करेंगे, और H2S रिमूव करने के बाद उसमें आप डालेंगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। और जब आप इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे, और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, जैसे कि ये नज़र आ रहे हैं ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हुए हैं, तो या तो ये बेरियम कार्बोनेट के होंगे, या कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, या स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट के होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर इस सीटी के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। या तो ये बेरियम कार्बोनेट के हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, या स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट के ये प्रेसिपिटेट बने हैं, ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। और फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि ओके इन प्रेसिपिटेट को हम डिसॉल्व करेंगे, पहले सेंट्रीफ्यूज कराएंगे, फिर उसके बाद हम उनको डिसॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं फिफ्थ ग्रुप के, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये तीन टेस्ट ट्यूब मैंने आपको कहा था, हम एट अ टाइम ये काम करते हैं। ये जो प्रेसिपिटेट वाइट बने थे इनको हमने डिसॉल्व किया था एसिटिक एसिड में। अच्छा, पहले मैं आपको ग्रुप टेस्ट दिखा दूँ। ग्रुप टेस्ट ये था हमारे पास कि हमने फिल्ट्रेट लिया और उसमें से पहले बॉईल करके H2S गैस को भी रिमूव किया, और फिर उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बात और की थी आपसे, एक बात ये की थी मैंने कि अगर हमारे पास कुछ इंटरफेयरिंग चीज़ें ना हों, तो हम ये भी कहते हैं कि आप जो है वो इसको आप ओरिजिनल सोल्यूशन में भी कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात यही होती है कि आप फिल्ट्रेट में लेकर चलें, ठीक है। तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट थे उनको एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया, और ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए, और डिसॉल्व होने के बाद हमने उसके तीन पार्ट किए। यहाँ पर भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ये वाली चीज़ें ना आ रही हों, हमारे प्रेसिपिटेट अच्छे तरीके से ऑब्जर्व ना हो रहे हों, तो यहाँ पर भी हम ओरिजिनल सोल्यूशन लेके उसके तीन पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि आपने ये तीनों पार्ट एक साथ लेकर चलने। एक साथ का मतलब ये क्या कि तीनों टेस्ट ट्यूब एक साथ रखी हुई होंगी तो हम पता लगा सकते हैं कि क्या प्रेजेंट है और क्या नहीं। क्योंकि अगर बेरियम प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट आएंगे, और यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट आएंगे। अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्सीडेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कैल्शियम की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो कैल्शियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट भी बनते हैं। और अगर यहाँ इस पार्ट में आ रही है प्रेसिपिटेट, तो वो बेरियम के भी हो सकते हैं, कैल्शियम के भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्शियम के भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ कैल्शियम मैंने लिखा हुआ नहीं है क्योंकि इसके प्रेसिपिटेट कभी आते हैं और कभी नहीं आते, लेकिन बहरहाल अगर कैल्शियम की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये प्रेसिपिटेट आ भी जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये तीनों टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, और तीनों टेस्ट परफॉर्म करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेट्स जब आते हैं हमारे पास, तो हम एक काम और भी करते हैं थर्ड फिफ्थ ग्रुप में, और वो है फ्लेम टेस्ट, ठीक है। अच्छा, फ्लेम टेस्ट क्या होता है? फ्लेम टेस्ट ये होता है कि ये जो प्रेसिपिटेट्स आए ना, अच्छा फ्लेम टेस्ट हमेशा वाइट प्रेसिपिटेट्स के साथ होगा, ठीक है। फ्लेम टेस्ट हमेशा वाइट प्रेसिपिटेट्स के साथ होगा। तो ये जो प्रेसिपिटेट्स आएंगे, यहाँ से जो भी प्रेसिपिटेट्स आएंगे, तो मैं क्या करूँगी, अच्छा हम कर भी सिर्फ कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम के लिए रहे होते हैं, बेरियम का हम फ्लेम टेस्ट नहीं करते। बेरियम का ग्रीन फ्लेम लिखा हुआ तो है, लेकिन वो एक्चुअली नज़र नहीं आता। तो हम क्या करते हैं कि ये जो प्रेसिपिटेट्स वाइट कलर के हैं, इनको हम सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, और जो रेजिड्यू आता है हमारे पास प्रेसिपिटेट्स का, उसको उसमें हम वन ड्रॉप HCl डालकर कंसेंट्रेटेड, और उसको एक ग्लास रॉड में डिप करते हैं, और हम उसको फ्लेम पर चेक करते हैं कि ये किस तरीके से नज़र आ रहा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी कि हमने फ्लेम टेस्ट कैसे किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो तीनों टेस्ट ट्यूब्स हमने ली थी फिफ्थ ग्रुप के लिए, वो कैसी नज़र आ रही थी। ये हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें पार्ट वन में पोटेशियम क्रोमेट डाला, पार्ट टू में अमोनियम ऑक्सीलेट डाला, पार्ट थ्री में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और ये तीनों पार्ट इस तरह टेस्ट ट्यूब के अंदर नज़र आ रहे हैं। पोटेशियम क्रोमेट अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं है इसके अंदर। अमोनियम ऑक्सीलेट में बहुत अच्छे से वाइट प्रेसिपिटेट आ रहे हैं। इस बी जो टेस्ट ट्यूब है, सेकेंड वाली जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अगर प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो ये लाजमी कैल्शियम है, क्योंकि इसमें बेरियम के भी प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे, स्ट्रॉन्शियम के भी प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे। अगर इसमें प्रेसिपिटेट आ रहे हैं तो वो बेरियम की वजह से भी हो सकते हैं, कैल्शियम की वजह से भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्शियम की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे, मैंने यही कहा कि मुझे तीनों टेस्ट ट्यूब एक साथ देखनी है, क्योंकि अगर मैं ये टेस्ट ट्यूब देखूंगी तो मुझे नहीं पता कि किस चीज़ के वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये टेस्ट ट्यूब देखूंगी और ये वाली टेस्ट ट्यूब में भी प्रेसिपिटेट है, तो मैं कह सकती हूँ अगर कैल्शियम यहाँ प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये वाले जो वाइट प्रेसिपिटेट हैं ये स्ट्रॉन्शियम की वजह से नहीं होंगे, बल्कि ये भी कैल्शियम की वजह से ही होंगे। और ये कैल्शियम का फ्लेम देखिएगा आपको कि थोड़ा ऑरेंजिश और ब्रिक रेड सा है। तो ये फ्लेम टेस्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दिखने में कैसा है और हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। ओके, फ्लेम टेस्ट के लिए देखिए कि हमने ये क्या किया है। हमने ये किया है कि ये जो ग्लास रॉड है, इसके ऊपर ये जो प्रेसिपिटेट थे, कौन से प्रेसिपिटेट, ये अमोनियम ऑक्सीलेट के प्रेसिपिटेट यहाँ जो बने थे, ये वाले अमोनियम ऑक्सीलेट
क्योंकि कैल्शियम प्रेजेंट था तो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट के प्रेसिपिटेट हो गए। इन प्रेसिपिटेट को हमने सेंट्रीफ्यूज करवाया और सेंट्रीफ्यूज करवाने के बाद मैंने इसको उसमें HCl डाला, ठीक है ना। छोटी सी टेस्ट ट्यूब हो जाती, छोटी सी टेस्ट ट्यूब में हम करवाते हैं सेंट्रीफ्यूज। उस छोटी टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड हमने फेंक दिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाला एक ड्रॉप HCl का, या हमने ग्लास रॉड को ही HCl में डिप कर लेते हैं। और उसके बाद हम उसमें ये मैंने अच्छे तरीके इन प्रेसिपिटेट को डिप कर लिया। अच्छा, आप देखें फ्लेम जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ब्लू कलर का है, और अब जब ये जब इसमें बर्न होगा तो आप देखिएगा कि ये थोड़ा सा ऑरेंजिश अलग से नज़र आएगा, अलग से ब्रिक रेड कलर देगा। ये देखिएगा, दिस इज ड्यू टू कैल्शियम। ओके, तो अब हमने कैल्शियम को भी कंफर्म कर लिया है, और हमने ये देखा कि कैल्शियम की वजह से इन दो टेस्ट ट्यूब्स में प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ चलते हैं कि हमने एक्चुअली क्या किया था। ये जो ग्रुप परफॉर्म किया था, ए बी सी इक्वेशंस हमने देख ली थी, उसके बाद हमने इन वाइट प्रेसिपिटेट को जब डिजोल्व किया तो क्या हुआ, और फिर हम जब ये सारा काम करेंगे, जब हम इसमें पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे, अमोनियम ऑक्सीलेट डालेंगे, तो अब मुझे आपको जो इक्वेशन दिखानी है वो है DEF। और ये काम हमारा नहीं हुआ था, हमारी इस टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट नहीं बने थे, इसका मतलब बेरियम नहीं है, और ऑफ कोर्स ये वाइट प्रेसिपिटेट्स हमारे पास बने थे। तो लेट्स सी कि ये क्या इक्वेशंस हैं। तो ये हैं इक्वेशंस कि जब हमने बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और स्ट्रोशियम कार्बोनेट को एसिटिक एसिड में डिजोल्व किया तो ये सारे सॉलेबल हो गए, और हमें पता है कि ऑल एसिटेट्स आर सॉलेबल, तो बेरियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट और स्ट्रोशियम एसिटेट बन गया। अच्छा, अगर आप ओरिजिनल सोल्यूशन ले रहे हैं तो देर इज़ नो नीड टू राइट दीज इक्वेशन, ठीक है ना। ये मैंने कब कहा, जब आपने ग्रुप में प्रेसिपिटेट्स बनाए और प्रेसिपिटेट्स बनाने के बाद उनको एसिटिक एसिड के अंदर डिजोल्व किया, ठीक है ना। ये देखें, हमने यहाँ प्रेसिपिटेट बनाए और वाइट प्रेसिपिटेट को हमने जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट को इस एसिटिक एसिड के अंदर जब डिसॉल्व किया है तो ये उसकी इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ ओरिजिनल सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है पोटेशियम क्रोमेट, एक में डाला अमोनियम ऑक्सीडेट और एक में डाला सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्योंकि हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट प्रेजेंट नहीं है तो मैंने वो इक्वेशन नहीं लिखी। अब हम चलते हैं अमोनियम ऑक्सीडेट की वाली की तरफ। तो अगर कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीडेट के प्रेसिपिटेट आते हैं, तो अगर ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं, अगर ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो ये यकीनन जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के ही होंगे, ठीक। अच्छा, जो थर्ड टेस्ट ट्यूब थी मेरी जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट आ रहे थे, वो स्ट्रॉन्शियम की वजह से भी हो सकते हैं, बेरियम की वजह से भी हो सकते हैं और कैल्शियम की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर, क्योंकि बेरियम मेरा प्रेजेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर बेरियम को नहीं लिखूंगी, बल्कि मैं यहाँ बात करूंगी कि ओके इट इज़ ड्यू टू, मे बी ड्यू टू कैल्शियम। तो मैं इस इक्वेशन को चेंज करने जा रही हूँ कैल्शियम के साथ, बन गया है जनाब कैल्शियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स। ओके, तो ये कैल्शियम की वजह से भी हो सकते हैं, आमतौर पर नहीं आते कैल्शियम के सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट, लेकिन इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू अच्छा खासा कम होता है। तो अगर कैल्शियम ज़्यादा तादाद में होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, और हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया था शायद इस वजह से भी उसमें कैल्शियम जो है वो हमें नज़र आ रहा था। तो जो सेकेंड जो थर्ड टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट होते हैं वो या तो स्ट्रॉन्शियम की वजह से होते हैं या कैल्शियम की वजह से होते हैं, और क्योंकि स्ट्रॉन्शियम भी प्रेजेंट नहीं है तो मैं इसको भी यहाँ से स्किप कर सकती हूँ, ठीक। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास इस में एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सीलेट बना है जिसकी मैंने आपको इक्वेशन बताई, और इसमें कैल्शियम सल्फेट बना है जिसकी मैंने आपको यहाँ पर इक्वेशन बता दी है, ठीक। अच्छा, अब हमारा रिजल्ट क्या हुआ इस मिक्सचर ए का, इस मिक्सचर ए का जो रिजल्ट है वो ये है कि इस मिक्सचर में हमारे पास एसिडिक रेडिकल्स में एसीटेट और क्लोराइड हैं, ठीक। अच्छा, मैंने आपको इनकी वीडियोज़ की फॉर्म में सीटीज़ नहीं दिखाई क्योंकि मुझे पता है कि ये आप परफॉर्म कर चुके हैं लैब में। कोबाल्ट और कैल्शियम को हमने आपको अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया कि कोबाल्ट की सीटी कैसे होगी, कैल्शियम का ग्रुप टेस्ट कैसे होगा, कैल्शियम का फ्लेम टेस्ट कैसे होगा। तो आई होप कि ये हेल्पफुल होगा आपकी लैब एनालिसिस के लिए, और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम और मिक्सचर्स की जो है इसी तरीके से प्रेजेंटेशन बनाकर अपलोड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो लैब की हमने डेमोंस्ट्रेशन बनाई है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, यानी 311 मॉर्निंग और 311 इवनिंग दोनों ही के लिए है। तो आप लोग जब अपनी अटेंडेंस देंगे तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आप मॉर्निंग के हैं या इवनिंग के हैं, यानी अपना नाम, रोल नंबर
और उसके साथ ये भी लिख दीजिएगा कि आप मॉर्निंग के हैं या इवनिंग के हैं, ठीक है, तो ताकि हमें अटेंडेंस मार्क करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और ये बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है ना, कि आपने अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर के साथ ही ब्रैकेट में लिख देंगे आप मॉर्निंग या इवनिंग। ओके, ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग साथ साथ ही अपनी लैब रिपोर्ट भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, हम अभी ये चेक नहीं कर रहे और ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल भी होगा, लेकिन जब आप के एग्ज़ाम की असेसमेंट होगी और जब आप ये लैब रिपोर्ट सबमिट कराएंगे तो हमें पता है कि जो 20 मार्क्स की हमारी लैब है उसमें हमने लैब रिपोर्ट्स के भी आपके मार्क्स रखे हुए हैं, तो आप उस लैब रिपोर्ट को भी मेंटेन करेंगे। अच्छा, लैब रिपोर्ट लिखना सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ छपाई करनी होती है, लैब रिपोर्ट अगर आप खुद से लिखते हैं, समझ के लिखते हैं, तो इस तरीके से आप एक्चुअली अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उसमें लैब टेस्ट भी लिख, ग्रुप टेस्ट भी लिख रहे होते हैं, आपको ये भी पता होता है कि आप इनफेयर क्या कर रहे हैं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन आ रही है, उससे क्या इनफेयर कर रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, जब आप इक्वेशन लिखते हैं, जैसे क्लोराइड की इक्वेशन है, एक से ज़्यादा दफ़ा आएगी तो ऑफकोर्स आप लिखेंगे, तो इस तरीके से इक्वेशंस भी याद हो जाती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए और लैब रिपोर्ट मेंटेन कीजिए। ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन बनाई है, ये हमारी टीम वर्क है और इसमें हमने काफ़ी मेहनत की है, और मेरे साथ मुसलसल होती हैं डॉक्टर उज्मा आशिक और डॉक्टर हुमैरा बानो जो कि हमारे कुलीग्स हैं। इसके अलावा स्पेशल थैंक्स है हमारी एक और कुलीग मिस कमल जाहिद का, जिन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छा इनपुट दिया वीडियोस और पिक्चर्स के थ्रू। इसके अलावा जो हमारे लैब अटेंडेंट्स हैं जुहेब और अमीर, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा टाइम दिया और हमारी बहुत हेल्प की इसके अंदर। तो ये बहुत टीम वर्क के बाद ये एक चीज़ निकल के सामने आई है। तो जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग भी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी लैब रिपोर्ट मेंटेन कीजिएगा और अटेंडेंस उसी तरह मार्क कीजिएगा जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को अलहदा अलहदा करके लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। ओके।